जिंक, बहुत बढ़िया। अब एक चीज, अगर ये नेट ईएमएफ आप दोनों की, चाहे ये हो चाहे ये हो, चाहे जिंक हो चाहे कॉपर हो, चाहे कैथोड हो चाहे एनोड हो, चाहे राइट वाला चाहे लेफ्ट वाला, चाहे पॉजिटिव चाहे नेगेटिव, अगर आप ये नेट ईएमएफ 1 मोलर कंसंट्रेशन में निकालो और एट 1 एटीएम में निकालो, अगर आप ये चीज़ कहाँ निकालो, 1 मोलर कंसंट्रेशन और 1 एटीएम में निकालो, तो बच्चों यही चीज़ क्या बन जाती है, स्टैंडर्ड ईएमएफ पोटेंशियल बन जाती है या स्टैंडर्ड ईएमएफ बन जाती है। और स्टैंडर्ड ईएमएफ को डिनोट करते हैं ई नॉट से। अभी ये ई है, ई कब तक है, जब तक कोई भी कंसंट्रेशन लो कोई भी प्रेशर लो, पर अगर आपने कंसंट्रेशन 1 मोलर कर दी और प्रेशर 1 एटीएम कर दिया, तो इसी कंसंट्रेशन इसी ईएमएफ को हम क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड ईएमएफ कहते हैं, ये याद रखना। ठीक है, इसी चीज को फिर हम क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड ईएमएफ कहते हैं, ये याद रखना, या स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, तो याद रखोगे क्या चीज़ है, शाबाश। ईएमएफ कैसे निकलेगा, वैसे जनरली अगर हम निकालें, कोई लिमिटेशंस ना हो कंसंट्रेशन में, कोई लिमिटेशंस ना हो प्रेशर में, तो ई राइट माइनस ई लेफ्ट, ई पॉजिटिव माइनस ई नेगेटिव, ई कैथोड माइनस ई एनोड, ई कॉपर माइनस ई जिंक, ऐसे बोल दिया है ना। ये तो वैसे कोई मायने भी नहीं रखता, जनरली क्या है, ई राइट माइनस ई लेफ्ट, ई पॉजिटिव माइनस ई नेगेटिव, ई कैथोड माइनस ई एनोड। ठीक है, शाबाश। और एक चीज़ याद रखना, ये आर यहाँ रिडक्शन है, ठीक है, तो रिडक्शन का भाई कौन होता है, रिडक्शन किसका होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का होता है। ठीक है, और जो आपका ऑक्सीडेशन है वो किसका होता है, रिड्यूसिंग एजेंट का होता है। तो अगर यहाँ ई रिडक्शन, अगर आपने, अच्छा रिडक्शन ऑक्सीडेशन लिखा नहीं है यहाँ, ये लिख तो रखा कैथोड एनोड, ठीक है, तो अब एक ये भी लिख देते हैं ई, ध्यान से समझो, इसे ही बढ़ा रहे हैं, नेट ईएमएफ है, ई राइट माइनस ई लेफ्ट, ई पॉजिटिव माइनस ई नेगेटिव, ई कैथोड माइनस ई एनोड। कैथोड जो था, कैथोड में कॉपर जो था, तो कॉपर में हुआ रिडक्शन, और एनोड में क्या हुआ, ऑक्सीडेशन। तो आप इसे बढ़ा के ये भी लिख सकते हो कि ई राइट, राइट वाला रिडक्शन है, तो ई रिडक्शन माइनस ई ऑक्सीडेशन। या एक और बात, जिसका रिडक्शन होता है वो खुद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, तो ई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट माइनस ई रिड्यूसिंग एजेंट। तो कुल मिला के बात क्या है, जो नेट ईएमएफ है विदाउट एनी लिमिटेशन ऑफ प्रेशर एंड कंसंट्रेशन, वो होगा क्या, ई राइट माइनस ई लेफ्ट, जो राइट में है उसका रिडक्शन हो रहा है, तो ई रिडक्शन माइनस ई ऑक्सीडेशन, जो रिडक्शन है वो खुद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रहा होगा, तो ई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट माइनस ई रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, रिडक्शन या जो आपका राइट है, राइट है, तो उसे बोलेंगे ई राइट माइनस ई लेफ्ट, या ई पॉजिटिव माइनस ई नेगेटिव। ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको समझनी है। और अगर यही सारी चीज़ें 1 मोलर और 1 एटीएम में करें, तो आप बोलते हो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, जिसे हम बोलते हैं ई नॉट। ठीक है, ये चीज़ें आप लोग याद रखोगे, शाबाश। इसके बाद क्या है, कुछ ही नहीं, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की एक बार छोटा सा एक ब्रीफ वो देख लो, और फिर इसके बाद आगे बढ़ेंगे। देखो, इंट्रोडक्टरी क्लास थी, तो ज़्यादा मैं टूल्स भी नहीं थे मेरे पास, आपको हिंट नहीं दे सकता था ज़्यादा, ना बोलूँगा फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे कि सर नई नई टर्मिनोलॉजीज क्या निकाल रहे हैं, तो जितनी थी उसी को बढ़ाया है। ठीक है, सीधा आप पे इंफॉर्मेशन थोपी नहीं है। चलो अब देखेंगे, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, इसका एक और नाम है नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की वजह से इसे SHE बोलते हैं, नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की वजह से इसे
NHE बोलते हैं। क्या चीज़ होती है? वही चीज़ जो हमने अभी देखी थी, ठीक है। ये एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड है, लिखते रहो जो जो वो बता रहा हूँ। इट इज़ रेफरेंस इलेक्ट्रोड, ठीक है। इट्स इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज टेकन एज जीरो। एक तो ये रेफरेंस इलेक्ट्रोड है, उसके बाद इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू जो है जीरो लेते हैं। इसमें प्लेटिनम वायर लेते हैं और हाइड्रोजन गैस छोड़ के रखते हैं, ठीक है। प्लेटिनम वायर या प्लेटिनम फॉइल और हाइड्रोजन गैस छोड़ के रखते हैं, ठीक है। 1 ATM में रहती है जनरली, और जनरली ये स्टैंडर्ड इसलिए है क्योंकि ये दोनों का काम कर सकती है, कैथोड का भी एनोड का भी। समझ पा रहे होंगे कैथोड में क्या होगा एनोड में क्या होगा, है ना। तो लिखें क्या? चलो, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की 2-3 बातें। पहली बात, इट इज़ रेफरेंस इलेक्ट्रोड, रेफरेंस इलेक्ट्रोड। दूसरी बात, इसका खुद का ई डिग्री कितना होता है? जीरो होता है। इसका खुद का रिडक्शन पोटेंशियल कितना होता है? जीरो होता है। तीसरी बात, ये बनता किससे है? प्लेटिनम फॉइल होती है और साथ में 1 मोलर HCl लिया रहता है और प्योर हाइड्रोजन गैस ली रहती है, ठीक है। एक ट्यूब होती है, उसके अंदर ये फिक्स करा रहता है ना, हाइड्रोजन गैस, प्लेटिनम की फॉइल, ये सारी चीज़ें। काम की बातें नहीं है इतनी, जो थी वो मैंने आपको बता दी। अब इसके बाद मेन बात क्या है, ये दोनों के जैसे एक्ट कर सकता है। इट कैन एक्ट बोथ एज कैथोड एंड एनोड। हाइड्रोजन से तो सीरीज ही स्टार्ट होती है इलेक्ट्रोकेमिकल, उससे ऊपर उसके नीचे रिएक्टिव है ना। तो इट कैन एक्ट एज बोथ कैथोड एंड एनोड, कैथोड और एनोड दोनों के जैसे ये काम कर सकता है। अब देखते हैं कैथोड के जैसे कैसे काम करता है और एनोड के जैसे कैसे काम करता है। सुनो, अगर ये कैथोड के जैसे काम कर रहा तो क्या होगा, एनोड के जैसे काम कर रहा तो क्या होगा? तो तुम्हें याद है ना, अभी बताया था मैंने एनोड कहाँ होता है, रिकॉल करो, आंख बंद करो। एनोड कहाँ होता है? लेफ्ट में होता है। एनोड कैसा होता है? रिडक्शन या ऑक्सीडेशन? ऑक्सीडेशन होता है। एनोड कैसा होता है? नेगेटिव होता है। कैथोड कैसा होता है? कैथोड राइट में होता है। कैथोड में क्या होता है? रिडक्शन होता है। कैथोड कैसा होता है? पॉजिटिव होता है, याद रखना। राइट मतलब सही, मतलब पॉजिटिव, ठीक है। तो अगर कैथोड होगा तो कैथोड में ये इलेक्ट्रॉन लेगा, तो मान लो 2H पॉजिटिव है और 2 इलेक्ट्रॉन इसे मिल गए, क्या बनाएगा? H2 गैस बना देगा, शाबाश। और एनोड में क्या होगा? लूज करेगा, लूज, तो H2 रहेगा, H2 2H प्लस बनेगा। यार ये प्रोटॉन है, याद रखना, प्रोटियम नहीं है, ये प्रोटॉन है, और 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, ठीक है। एक मैं अपनी तरफ से जोड़ लेता हूँ कि आगे एक चीज़ आने वाली है, नस्ट इक्वेशन। नस्ट इक्वेशन में, इफ़ इन एनी केस, नस्ट इक्वेशन में स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड या कहीं H प्लस या H2 दिख गया, अगर ये चीज़ दिख गई स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में, सॉरी नस्ट इक्वेशन में, अगर हमें स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड दिख गया, मतलब H प्लस या H2 दिख गया, और जनरली दिखेगा कैसे, इसका प्रेशर दिया रहेगा, इसका प्रेशर गिवन होगा, तो भाई वो भी इंक्लूड करना है, वो भी इंक्लूड करो, बहुत ज़रूरी है, उसको भी इंक्लूड करना है, नहीं तो मार्क्स नहीं आएंगे। बहुत एक स्पेशल क्वेश्चन आता है उसके लिए ना, उसको भी इंक्लूड करना पड़ेगा, ठीक है। तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड आपको पता चला, नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड भी होता है, कैसे होता है, ये सारी चीज़ें तुमने देख ली। दोनों के जैसे बिहेव कर सकता है, कैथोड एनोड दोनों चीज़ें, ठीक है। और इससे ज़्यादा इसमें कुछ नहीं है, चलो इतना हो जाए। तो अब जरा नेक्स्ट इक्वेशन देखो क्या होती है। अब बात कर ही ली है तो नेक्स्ट इक्वेशन एक बार देख लो। नेक्स्ट इक्वेशन बहुत अलग अलग तरह से बनती है, ठीक है। मैं 2-3 लिखाऊंगा तुम्हें और समझाऊंगा। मान लो पहला तो इसका है, यहाँ पे हेडिंग लगा लो, नेक्स्ट इक्वेशन, नेक्स्ट इक्वेशन या हेडिंग लगा लो। उसके बाद देखो सबसे मेन चीज़ क्या है, मान लो एक सिंपल सी तुम पे रिएक्शन हो, यहाँ पे Mn प्लस प्लस n इलेक्ट्रॉन, सोचो क्या होगा, n प्लस n इलेक्ट्रॉन क्या बनेगा, m बनेगा, ठीक है, सॉलिड फॉर्म में। और तुम्हें वो याद है ना कि सॉलिड की कंसंट्रेशन कितनी लेते हैं, एक्टिव कंसंट्रेशन 1 लेते हैं, है ना, ये याद होगा, बहुत बढ़िया। तो देखो इसमें नेक्स्ट इक्वेशन कैसे लिखते हैं, तुम्हें स्टैंडर्ड पता है, नॉट लगता है, और लगते कैसे हैं देखो, इस नेक्स्ट इक्वेशन ने कुछ करा नहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इसने क्या करा, एक तो चीज़ आपको पहले से पता है कंसंट्रेशन, ठीक है। कंसंट्रेशन के रिलेशन किससे बनाई, ईएमएफ से बनाई,
जो EMF आपने निकाले थे ना दो हाफ सेल के, कैथोड एनोड, ऑक्सीडेशन हाफ, रिडक्शन हाफ, पॉजिटिव हाफ, नेगेटिव हाफ, राइट हाफ, लेफ्ट हाफ, उनकी रिलेशन बनाई। पर वो EMF भी दो तरह के होते हैं, एक तो होता है स्टैंडर्ड जो आप निकालते हो जो 1 मोलर कंसनट्रेशन और 1 ATM या 1 bar में होता है, SHE आपका 1 bar में भी निकल सकता है, ठीक है, और एक आपका निकलता है जनरल किसी भी कंसनट्रेशन या किसी भी प्रेशर में। तो उन तीनों चीज़ों को जोड़ा है इसने, किस किस को, नंबर 1 इस कंसनट्रेशन ऑफ बोथ कैथोड एनोड या रिएक्टेंट प्रोडक्ट, ठीक है, और साथ में स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड वैल्यू जो आपकी E0 होती है, और साथ में एनी वैल्यू इलेक्ट्रोड की जो भी वैल्यू आपकी EMF की निकलेगी उसको जोड़ा, ठीक है। तो देखो क्या हुआ, इन्होंने क्या बनाया, देखो नेक्स्ट इक्वेशन होती कैसे है, EMN+/M इज इक्वल टू E degree MN+, एक बताऊंगा बाकी आप समझ जाओगे खुद, माइनस 0.0591। अच्छा ये कहाँ से आता है, तो आपने एक चीज़ पढ़ी होगी RT/NF, R आपको पता है गैस कांस्टेंट, T टेम्परेचर, स्टैंडर्ड लेंगे तो 298, सारी सेल रिएक्शन जनरली लैम्स में भी बताया था मैंने 99% सेल रिएक्शन रूम टेम्परेचर में ही हो जाती है ना, क्योंकि ज़्यादातर सेल रिएक्शंस या जो भी केमिकल रिएक्शंस है आयनिक होती है नेचर में, कोवेलेंट तो बहुत समय लगाती है। R आपको पता है 8.314 लगाएंगे, एनर्जी की यूनिट है, पोटेंशियल भी तो एक तरह की एनर्जी है ना भाई, इसलिए 0.0821 नहीं लगाएंगे, ठीक है। टेम्परेचर आपका 298 केल्विन, एफ आपका नई चीज़ है फेराडे, इसलिए नहीं बताई ये चीज़ है ना, और एन आपको पता ही है नंबर ऑफ आइंस। तो अब ज़रा ध्यान से देखो, 0.0591 अपन एन लॉग बेस एन, लॉग बेस 10, यहाँ पे होता है 10 बेस है, ई नहीं है, मास ऑफ सॉलिड अपन मास ऑफ आयन, ये होता है मास ऑफ सॉलिड अपन मास ऑफ आयन, ध्यान से देख लो क्या चीज़ है। ई ये किसी भी कंसनट्रेशन या किसी भी प्रेशर में ये स्टैंडर्ड है, 1 ATM और 1 मोलर कंसनट्रेशन। 0.0591 बुक से भी देख लेना, वैसे ही यहाँ से आता है RT/NF, मैं आपको बता देता हूँ, आर की वैल्यू आप 8.314 जूल पर मोल केल्विन, टेम्परेचर की वैल्यू 298 केल्विन, एन आप ऐसे रहने दो, 1 फेराडे होता है 96500 कूलम, आगे बताना चाहता था मैं फेराडे लॉ में, यहाँ आ गया क्या करूँ, नेक्स्ट इक्वेशन पहली आ जाती है ना, यह तो ये सारी चीज़ें अगर आप सॉल्व करोगे तो इतना ही आएगा 0.0591, क्योंकि देखो नीचे बहुत बड़ी चीज़ है, 96500 कूलम है, ठीक है, और साथ में लॉग बेस 10 एम सॉलिड अपॉन MN+ होता है। इसे याद नहीं करना, क्यों नहीं याद करना, क्योंकि आपको पता है इन ऑल केसेस मोलर कंसनट्रेशन ऑफ सॉलिड इज टेकन एज यूनिटी, सॉलिड की मोलर कंसनट्रेशन 1 लेते हैं, क्या लेते हैं, 1 लेते हैं, सॉलिड की मोलर कंसनट्रेशन कितनी ली जाती है बच्चों, 1 ली जाती है, ठीक है, और अगर इसकी कंसनट्रेशन हम 1 लेंगे तो फ़र्क क्या पड़ेगा, फ़र्क ये पड़ेगा जो पड़ेगा उसे ब्रैकेट में लिखोगे MN+/M E degree MN+/M, जनरली ये चीज़ गिवन होती है, कांस्टेंट होती है, ठीक है, गिवन या कांस्टेंट होती है, ये फिक्स होती है, कॉपर के लिए फिक्स होगी, कॉपर आयन के लिए, जिंक के लिए फिक्स होगी, मैग्नीशियम के लिए फिक्स होगी, ये सब के लिए फिक्स होती है, ये निकालनी पड़ती है, क्योंकि ये चीज़ कंसनट्रेशन के साथ वेरी करती है, ये चीज़ तो हमेशा फिक्स रहेगी, पर ये इनके साथ, इन कंसनट्रेशन के साथ ये चीज़ वेरी करती है। माइनस भाई देखो 0.0591 लिखा तुम लोगों ने, अपन एन लगाया, लॉग बेस 10 लिखा, और ये चीज़ तो 1 हो गई, तो 1/MN+ ऐसे लिख लोगे, और इस चीज़ को ब्रैकेट में बंद करना, इस चीज़ को किस में बंद करना, ब्रैकेट में बंद करना, ठीक है, शाबाश। अब एक चीज़ और, बहुत से लोग ना इसे बुक में ऐसे पढ़ते हैं, मान लो तुम खुद सोचो इसका अगर मैं रेसिप्रोकल कर दूँ, पहले तो ये लिख लो, ये वाली चीज़ ब्रैकेट में लिखो, वो तो लिखनी है, ये ब्रैकेट में लिखो। बहुत से बुक में देखो कैसे रहता है कि भाई इस चीज़ को ना ऊपर लाते हैं, तो होगा क्या, देखो यहाँ पे जब ये ऊपर चल जाएगा तो MN+ की पावर कितनी बनेगी, -1 बनेगी, इतना सबको पता है ना, बेस ऊपर जाएंगे तो पावर नेगेटिव हो जाती है। अरे 1/X हो तो क्या लिखोगे, x की पावर -1 लिखोगे, तो वही लिखा हुआ है -1, और बेटा लॉग अपनी पावर आगे भेजता है, तो ये -1 पावर लॉग से आगे आ जाएगी, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो बहुत से बच्चे कन्फ्यूज़ रहते हैं, कहीं प्लस है कहीं माइनस है, तो होता माइनस ही है, पर ये नीचे रहती है तब चीज़, जब ये ऊपर चली जाएगी तो यहाँ प्लस आ जाएगा, ठीक है, इतना याद रखना। और देखो, और सबसे इम्पॉर्टेंट या सबसे
जर्नल यूज़ करने वाली इसकी क्या है, ये देखो स्टोइकोमेट्री के बेस पे है। यहाँ देखो, मान लो कोई जनरल रिएक्शन है या जनरल इक्वेशन है, ए मोल्स, ए मोल्स तो नहीं बोलना चाहिए, स्टोइकोमेट्री होती है पर चलेगा, ए ए बी बी सी सी डी डी, ए ए बी बी सी सी डी डी, ए ए बी बी सी सी डी डी, ठीक है। अब ध्यान से देखो, मेन चीज़ क्या है, ये इक्वेशन है, रिएक्शन है, ध्यान से देखना। इसमें एक चीज़ मैंने लिखा, ई सेल, सेल की निकालना चाहते हो, यहाँ लिखोगे ई डिग्री सेल माइनस 0.0591 होल डिवाइडेड बाय एन, ये लिख दिया, ठीक है। ई सेल, सेल कैसे बनता है, कैथोड एनोड दो से, ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों से, तो ई सेल, ई डिग्री सेल ये पहले से चल रहा था, 0.0591 अपन एन चल रहा था। जब भी रिएक्शन हो आपके ज़िंदगी में, दो चीज़ आएगी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, एक तो रिएक्शन, दूसरी सेल नोटेशन। वो सॉल्ट ब्रिज वाली लिखी थी ना हमने, सेल नोटेशन, जहाँ पे दो ऐसे रहते थे पैरेलल, इधर हम कौन से लिखते थे, रिडक्शन वाले, इधर कौन से लिखते थे, ऑक्सीडेशन वाले, इधर कौन से लिखते थे, राइट वाले, इधर कौन से लिखते थे, लेफ्ट वाले, इधर कौन से लिखते थे, प्लस वाले, इधर कौन से लिखते थे, माइनस वाले, वही सारी चीज़ें चलती रहेंगी। पर ये रिएक्शन है, दूसरा वेरिएशन बता रहा हूँ, जब वैसे तो न्यूमेरिकल में कवर होगा पर देख लो अभी से, जब रिएक्शन हो तो इसके बाद यहाँ लॉग लगाना, ये तो सब में ही कॉमन है, बेस 10, ठीक है। और ऊपर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन और नीचे रिएक्टेंट की, ऊपर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन, नीचे किसकी, रिएक्टेंट की, ये याद रखना, ऊपर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन और नीचे किसकी, रिएक्टेंट की, ये याद रखना। अब ध्यान से देखो क्या हुआ, ई सेल बराबर ई डिग्री सेल माइनस 0.0591 होल डिवाइडेड बाय एन लॉग बेस 10। ध्यान से देखो प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्ट ये है, ये है, ये प्रोडक्ट होते हैं, ये रिएक्टेंट होते हैं। तो प्रोडक्ट कितना है, एक तो सी है ऐसे लिख दिया, डी है ऐसे लिख दिया, रिएक्टेंट क्या है, ए है ऐसे लिख दिया, बी है ऐसे लिख दिया। पर अगर तुम्हें याद होगा एक चीज़ क्या, कि जब हमने इक्विलिब्रियम पढ़ा था तो हमने देखा था जो भी होती है ना ये आगे स्टोइकोमेट्री, ये पावर बन जाती है। तो सी की पावर क्या बनेगा, डी, सी की पावर क्या बनेगा, सी, डी की पावर क्या बनेगा, डी, ए की पावर क्या बनेगा, ए, बी की पावर क्या बनेगा, बी, ऐसे चलता है। इसे ब्रैकेट में बंद करना, ये किसके फॉर्म में है, रिएक्टेंट के फॉर्म में, प्रोडक्ट के फॉर्म में है, रिएक्शन के फॉर्म में। नहीं आया समझ में, ये आ गया सर, ठीक है। एक और बार देखो, मान लो, और ई सेल पता है ना हमेशा क्या होता है, यहाँ लिखा नहीं, ई सेल हमेशा ही क्या होता है, ई कैथोड माइनस ई एनोड, ई कैथोड माइनस ई एनोड, या ई राइट माइनस ई लेफ्ट, शाबाश, या ई पॉजिटिव माइनस ई नेगेटिव, या ई रिडक्शन माइनस ई ऑक्सीडेशन, ठीक है। अच्छा, इसमें एक और चीज़ जोड़ देना अगर टाइम हो, ई क्या होगा, ध्यान से देख लेना, ई प्रोडक्ट माइनस ई रिएक्टेंट, ये भी लिखना, ई प्रोडक्ट माइनस ई रिएक्टेंट, ये भी चीज़ जोड़ देना है ना। चलो, मैं क्या कहना चाह रहा था, ये कहना चाह रहा था कि अब करना क्या, कि मान लो तुम्हें दो चीज़ दे सकते हैं, क्या देखो, ऐसे एक तो दे सकते हैं नेक्स्ट इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ सेल नोटेशन, सेल नोटेशन मतलब सॉल्ट ब्रिज वाली, उसमें देखो होगा क्या, मान लो, और एक देंगे तुम्हें इन टर्म्स ऑफ केमिकल इक्वेशन या रिएक्शन, इन टर्म्स ऑफ केमिकल इक्वेशन या रिएक्शन, दोनों के टर्म में दे सकते हैं। इनको समझने क्या, देखो न्यूमेरिकल में ये सब चीज़ क्लियर हो जाएंगी पर थोड़ा बेस बना लेते हैं। मान लो एक तुम पे सिंपल सी रिएक्शन है, ए का ए देगा बी का बी, ए का ए देगा बी का बी। अब अगर तुम इसके लिए नेक्स्ट इक्वेशन लिखोगे तो तुम लिखोगे ई सेल इज इक्वल टू ई डिग्री सेल माइनस 0.05, माइनस लगा रहा हूँ है ना, बहुत सी बुक में प्लस होगा पर फिर उसमें ऊपर रिएक्टेंट होंगे, ठीक है, हम ऊपर प्रोडक्ट रख रहे हैं,
तो ई डिग्री सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन, एन क्या होते हैं नंबर ऑफ आइंस, पता चल जाएंगे क्या हैं, जैसे सी यू टू प्लस में दो हैं है ना, जेड एन टू प्लस में भी दो हैं, ऐसे लॉग बेस 10 यहाँ कितना ऊपर रखते हैं प्रोडक्ट, अगर यहाँ माइनस है तो ऊपर प्रोडक्ट, तो बी की पावर कितना बी, और यहाँ पे लिखेंगे ए की पावर कितना ए, ऐसे ठीक है शाबाश। पर बच्चों इसका सेल नोटेशन बनेगा कैसे, अब देखो सेल नोटेशन कैसे बनेगा, सेल नोटेशन इसका ऐसे बनेगा, यहाँ ये लिखा ठीक है, उसके बाद होगा क्या, उसके बाद होगा यहाँ कि यहाँ पे लिखेंगे ए वाले, तो पहले ए का प्लस, ए प्लस वही मोलर कंसेंट्रेशन, यहाँ लिखेंगे बी प्लस या बी माइनस जो भी है, लेटर से बी माइनस लिख दिया, और साथ में फिर यहाँ पे रहेगा ए और साथ में यहाँ पे रहेगा बी, ये सेल नोटेशन है ठीक है। अच्छा तुम्हें तो रिडक्शन के हिसाब से बता रहा है ना मैं, तो ऑक्सीडेशन हो गया सॉरी, यहाँ पे रहेगा आपका, क्योंकि इसका उल्टा चलता है, बी इधर आएगा, बी इधर आएगा, बी प्लस बी माइनस इधर होगा, फिर ए प्लस इधर होगा और ए इधर होगा ठीक है, ऐसे चलता है तो चलेगा, तो वही ई सेल यही आना है, ई सेल इज इक्वल टू ई डिग्री सेल माइनस 0.0591 होल डिवाइडेड बाई एन लॉग बेस 10। अब देखो होता क्या है, तुम्हें पता ही है राइट है, ये क्या है लेफ्ट है, राइट में कौन होते हैं रिडक्शन वाले, रिडक्शन मतलब कैथोड, और यहाँ पे कौन होते हैं लेफ्ट में ऑक्सीडेशन वाले, और ऑक्सीडेशन वाले क्या होते हैं एनोड होते हैं। तो आपने जनरली लिखना क्या है, लॉग बेस 10 एनोड बाई कैथोड लिखना है, एनोड बाई कैथोड, एनोड बाई कैथोड ये लिखना है आपको, एनोड ऊपर कैथोड का नीचे। दोबारा बता देता हूँ मैं क्या कहना चाह रहा था, कि यहाँ पे आपको लिखना कैसे है, लॉग लिखना है, बेस 10 लिखना है, उसके बाद ध्यान से देखो इस साइड ये राइट है, राइट मतलब रिडक्शन मतलब कैथोड, तो आपको ऊपर लिखना है कैथोड, कैथोड नहीं एनोड लिखोगे ऊपर, उधर वाला बताया था ना एनोड अपन कितना कैथोड, ये लिख दो, और साथ में वो जो पावर चलती है सो चलती है ठीक है। तो सेल नोटेशन के टर्म में यह है, केमिकल इक्वेशन के टर्म्स में यह है, चेंज कुछ नहीं होगा चलेगा वही, बट यह है कि लिखने का तरीका अलग है, याद रख लो जैसे केमिकल इक्वेशन में जो इस साइड है वो उधर उस साइड होगा, और जो यहाँ पे इस साइड है ये कौन सी साइड है लेफ्ट साइड, वो वहाँ राइट साइड होगा, तो ऐसे याद रखना ठीक है। अच्छा बहुत से बोलते हैं फिर कि बुक में यहाँ कैथोड लिखा रहता है, नीचे क्या लिखा रहता है एनोड लिखा रहता है, तो तब क्या करें, तब कुछ नहीं बेटा यहाँ प्लस आएगा, तब कुछ नहीं यहाँ प्लस आएगा, ये कैसे क्लियर होगा, न्यूमेरिकल करते जाएंगे क्लियर होता जाएगा ठीक है, जितने न्यूमेरिकल करोगे उतने क्लियर हो जाएगी ये चीज़ है ना, 50-60 कराऊंगा क्लियर हो जाएगी ये चीज़। रिएक्शन का याद रखो प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, यहाँ ऐसे याद रखो कि केमिकल इक्वेशन में जो प्रोडक्ट है ना प्रोडक्ट, वो सेल नोटेशन में कौन सी साइड आएगा लेफ्ट साइड आएगा, ऐसे याद रखो सेल नोटेशन में राइट साइड रिएक्टेंट आते हैं, रिएक्टेंट राइट साइड आते हैं, बस ये याद रखो। देखो रिएक्टेंट यहाँ कौन है ए ए है, वो यहाँ कौन सी साइड है राइट साइड है, ऐसे याद रखो ठीक है। बस और क्या चाहिए, जो राइट साइड है वो वैसे आएंगे। चलो एक और देख लो दोबारा अच्छी तरीके से समअप करते हैं ना, इसे समअप करते हैं सारा। तो देखो पहले तो मैं तुम्हें ये बता दूं कि ईएमएफ होता क्या है, ई डिग्री सेल ना, ई डिग्री सेल, ई राइट माइनस ई लेफ्ट, या ई
पॉजिटिव माइनस ई नेगेटिव, ये होता है, या ई रिडक्शन माइनस ई ऑक्सीडेशन, या ई कैथोड माइनस ई एनोड। यह सबसे मेन बात ई, याद ये देखो राइट साइड में कौन होता है, प्रोडक्ट होते हैं, तो ई प्रोडक्ट माइनस ई रिएक्टेंट, मेनली बात ये है। क्या है ई डिग्री सेल, देख लो, ई राइट माइनस ई लेफ्ट, ई पॉजिटिव माइनस ई नेगेटिव, ई रिडक्शन माइनस ई ऑक्सीडेशन, ई कैथोड माइनस ई एनोड, ई प्रोडक्ट माइनस ई रिएक्टेंट। अब नेक्स्ट इक्वेशन देखो, माइनस में देख लो, है ना, पहले तो जब भी 0.0591 से पहले माइनस होता है, पहले वाली देख लो, वो तुम्हारी मर्जी होती है, मैं तुम्हें सारी वेज बता रहा हूँ, है ना। तो ई सेल इज इक्वल टू ई डिग्री सेल, ये ई डिग्री सेल क्या है जो अभी देखा, वो इतनी सारी चीज़ें ई राइट माइनस ई लेफ्ट वही है, माइनस 0.0591 अपॉन एन। सबसे पहले देखो, सबसे पहले क्या था, वन अपॉन कितना था, एम एन पॉजिटिव, ये था। नेक्स्ट इक्वेशन का नाम क्या होता है, कंसंट्रेशन, स्टैंडर्ड वैल्यू और दैट वैल्यू ऑफ ईएमएफ विच विल चेंज विद कंसंट्रेशंस हो, उन्हें रिलेट करता है। अच्छा, ये वन क्यों है, क्योंकि एम ऑफ सॉलिड कितना होता है, वन होता है, पहली बात ये, इसलिए सॉलिड की कंसंट्रेशन एप्रिशिएबली चेंज नहीं होती, इसलिए ये लिखते हैं। अच्छा, इसके बाद तुमने ये देखा ई सेल क्या होता है, ई डिग्री सेल माइनस 0.0591 बाई एन। सर ये 0.0591 कहाँ से आया, बताना पड़ेगा यार तुम्हें, 0.0591 बाई एन कुछ और नहीं है, क्या है, आर टी बाई एन एफ है। कहाँ से आया, हायर क्लास में पता चलेगा। आर क्या है, वही 8.314, टेम्परेचर वही 298 केल्विन, केल्विन में 1 फेराडे 96500 कूलम, ये सारा सॉल्व करोगे वही आएगा 0.0591। ठीक है, अब देखो, बहुत डिस्टर्ब करते हो तुम बीच में, यहाँ देखो, लॉग बेस 10 क्या है, प्रोडक्ट ऊपर, और वो भूलना मत जो भी आगे स्टोइकोमेट्री होती है, जैसे ए की पावर ए है, वो बाद में जाके ए की पावर ऊपर ए बन जाएगी, है ना, ऐसे, मतलब ए स्टोइकोमेट्री इंटू ए बन जाएगा, ए की पावर ए, तो वो भूलना मत। तो यहाँ पर है प्रोडक्ट बाई कितना, रिएक्टेंट, साबाश। मैंने तुम्हें क्या बोला, मैंने तुम्हें बोला जो राइट होता है वो राइट यहाँ कौन बनेगा, रिएक्टेंट बनेगा, यही तो बोला मैंने तुम्हें, अभी नहीं देखना वीडियो, राइट में रिएक्टेंट, पर राइट में जनरली होता कौन है, रिडक्शन, राइट में कौन होता है, रिडक्शन, राइट है कौन, रिएक्टेंट, पर राइट में होता क्या है, रिडक्शन। अरे जो राइट है, जो राइट है उसे हम एक और चीज़ भी तो बोल सकते हैं, क्या, कैथोड या एनोड, कैथोड, आई बात समझ में। और ध्यान से देखो, जो प्रोडक्ट है वो कहाँ पे होगा, लेफ्ट में होगा, लेफ्ट में मतलब उसका होगा ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन होगा मतलब वो होगा एनोड, इसको समझ लो, ठीक है। कैथोड कहाँ होता है, राइट में होता है, राइट मतलब रिएक्टेंट और रिडक्शन, तीन आर आएंगे भाई, आर तीन यहाँ यही है, राइट, रिएक्टेंट और रिडक्शन, एनोड, ऑक्सीडेशन, लेफ्ट और प्रोडक्ट। अच्छा, इसे और बढ़ाओ, पहला ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा देखो यहीं से बनाएंगे, ई सेल, या ऐसे लिख लूँ, चलो पूरा लिख लेते हैं, ई सेल इज इक्वल टू ई डिग्री सेल माइनस 0.0591 बाई एन, लॉग बेस 10। अब देखो जो प्रोडक्ट है वो जनरली है क्या, एनोड है, तो ऊपर लिखेंगे एनोड और नीचे लिखेंगे कैथोड, ठीक है, एनोड बाई कैथोड, एनोड बाई कैथोड। चल, इंक गिर गया यार, एनोड बाई कैथोड। इसके बाद अब एक चीज़ और आगे बढ़ाएंगे इसे, इसको और क्या लिख सकते हैं, याद है ना वो चीज़ क्या, कि जो प्रोडक्ट है वो कहाँ होगा,
वो आपका राइट में होगा, नहीं लेफ्ट में, लेफ्ट में, क्योंकि प्रोडक्ट क्या है, एनोड है, एनोड होता है लेफ्ट में, ठीक है। और कुछ जुड़ता है इसमें, प्रोडक्ट है, लेफ्ट है, एनोड है, और क्या जुड़ सकता है, कुछ नहीं, बस इतना ही। तो इसकी एक और चीज़ आएगी आखिरी, ई सेल इज इक्वल टू ई डिग्री सेल माइनस 0.0591 होल डिवाइडेड बाई एन लॉग बेस 10 लेफ्ट अपॉन राइट। एक मिनट देख लूँ मैं, प्रोडक्ट है ठीक है, एनोड है ठीक है, रिएक्टेंट होगा राइट में ठीक है, प्रोडक्ट होगा लेफ्ट में ठीक है, ये सारी चीज़ें। ओके, मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, अगर आप सेल नोटेशन बनाते हो, सेल नोटेशन, तो उसके सेल नोटेशन के लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट साइड कौन आएंगे, प्रोडक्ट आएंगे, इधर कौन आएंगे, प्रोडक्ट आएंगे, और इधर क्या आएंगे, रिएक्टेंट आएंगे। ये तो सेल नोटेशन की बात है। जबकि अगर सेल रिएक्शन की बात करूँ, तो सेल रिएक्शन जनरली रिएक्टेंट इधर, प्रोडक्ट इधर, रिएक्टेंट इधर, प्रोडक्ट इधर, जबकि सेल नोटेशन में क्या है, प्रोडक्ट इधर, कौन सी साइड, लेफ्ट साइड, और राइट साइड कौन, रिएक्टेंट। वो हमने लिखा भी है, देखो लेफ्ट ऊपर है तो एनोड ऊपर है तो प्रोडक्ट ऊपर है ना, यही है, यहाँ एनोड और यहाँ कौन, कैथोड। तो मुझे लगता है तुम्हें समझ में आ गया होगा, सर इतने देर से क्या बतिया रहे हैं, ठीक है। यह प्रोडक्ट, रिएक्टेंट, लेफ्ट राइट, एनोड, कैथोड। इसके बाद उल्टा, अगर यहाँ प्लस आ गया तो एम एन प्लस कहाँ आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा, अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। एम एन प्लस कहाँ आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा, यहाँ प्लस आ गया तो रिएक्टेंट ऊपर, और प्रोडक्ट कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, ठीक है। यहाँ प्लस आ गया, अब कन्फ्यूज़ नहीं होना बुक में भी कभी, कैथोड ऊपर और एनोड कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। यहाँ प्लस आ गया तो राइट ऊपर, लेफ्ट कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, बस इतना ही चलता रहता है, और कुछ है ही नहीं इसमें, ठीक है। शाबाश, बहुत बढ़िया। चलिए एक और तरीके का देखो, जब हम पे दो सेल की कंसंट्रेशन हो अलग अलग, सेल्स की कंसंट्रेशन दे रखी है अब अलग अलग, इलेक्ट्रोलाइट एक ही होगा पर उनकी कंसंट्रेशन अलग अलग है, तब हम देखेंगे क्या नेस्ट इक्वेशन, स्पेशल टाइप में ये नेस्ट इक्वेशन फॉर सेम इलेक्ट्रोलाइट, मतलब वही कैथोड है, वही एनोड है, वही राइट है, वही लेफ्ट है, वही रिएक्टेंट है, वही प्रोडक्ट है, सेम इलेक्ट्रोलाइट बट डिफरेंट कंसंट्रेशन, डिफरेंट कंसंट्रेशन पर इलेक्ट्रोलाइट सेम हो। जैसे यहाँ देखो Cu/CuSO4, इसके कंसंट्रेशन C1 हो, और यहाँ पे हो CuSO4, नई कंसंट्रेशन C2, C वही है M वाला मोलैरिटी, और यहाँ पे हो Cu। अब तुम्हें पता है इसे लिखेंगे कैसे, खुद सोचो। यहाँ पे कौन होते हैं, यहाँ पे होते हैं प्रोडक्ट, यहाँ पे कौन होते हैं, कैसे P बना रहे हो यार, यहाँ प्रोडक्ट, यहाँ पे रिएक्टेंट। शाबाश, जो प्रोडक्ट होता है वो कैसा होता है, एनोड होता है, ये कौन होता है, कैथोड होता है, राइट वाला तो हमें से कैथोड ही होगा ना। अच्छा, यहाँ पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन, इधर क्या होता है, रिडक्शन, बहुत बढ़िया। तो तुम्हें याद होगा बहुत एंगल से तुम देख सकते हो, ई सेल लिखोगे, ई डिग्री सेल लिखोगे, ई सेल इज इक्वल टू ई डिग्री सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन, ई सेल इज इक्वल टू ई डिग्री सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन। क्या होता है अगर माइनस हो, तो प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, या एनोड बाय कैथोड, तो C1/C2, क्योंकि प्रोडक्ट में कौन है, C1 है, और इधर कंसंट्रेशन कितनी है, C2 है। पर फिर वही बात, अगर प्लस आ जाए तो C2 ऊपर आएगा, C1 नीचे आएगा,
ऐसे नहीं है कि तुम फेवर कर रहे कि सी टू ऊपर आएगा सी वन नीचे, प्लस होगा तब करोगे, है ना? ऐसा है। ओके ये है। और जनरली यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ स्पेशल केस कि क्या है, यहाँ पे ई डिग्री सेल जीरो आता है। ई डिग्री सेल क्या आता है? जीरो आता है। क्यों? क्योंकि ई डिग्री सेल एक स्टैंडर्ड वैल्यू है जो कहाँ के लिए, वन मोलर कंसंट्रेशन में, मतलब सी वन से भी हमें कोई मतलब नहीं है, सी टू से भी कोई मतलब नहीं है। मान लो सी वन 5 मोलर होता, सी टू 10 मोलर होता, पर ई डिग्री में तो 1 मोलर ही चाहिए, और 1 मोलर इस सी यू एस ओ फोर का और इस सी यू एस ओ फोर का एक ही तो होगा। मतलब आपने सी यू एस ओ फोर की 1 मोलर कंसनट्रेशन उठाई, एक डेली से और एक अपने देहरादून से, भाई दोनों सेम ही तो होगी, दोनों का पोटेंशियल क्या होगा? सेम होगा। इसलिए ई डिग्री सेल कितना हो जाता है? जीरो हो जाता है। तो जनरली फिर आप पे ये बनता है क्या, ई सेल इज इक्वल टू -0.0591 अपॉन एन सी वन बाई सी टू, पर अगर मैं यहाँ प्लस कर दूँ तो सी टू ऊपर और सी वन कहाँ आ जाएगा? नीचे आ जाएगा। ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ए फोर साइज सी टू में लिखना है सारी चीज़ें, ठीक है? अब इसमें क्या रह गया? कुछ नहीं। हाँ एक और चीज़ है, अगर तुम देखना चाहो, जैसे हमने केमिकल इक्विलिब्रियम में पीएच के बारे में पढ़ा था, तो यहाँ पे भी पीएच ही निकल जाता है। अगर तुम्हें याद होगा तो पीएच क्या था वहाँ पे? पीएच था -log base 10 हाइड्रोनियम आयन या एच प्लस आयन की कंसनट्रेशन। यहाँ पे देखो पीएच क्या है, यहाँ पे है पीएच क्या है यहाँ? अच्छा हाँ ये रहा पीएच है, ई सेल अपॉन 0.0591 ये केसी, हाँ केसी भी है। तो पहले ये देखो पीएच है ई सेल अपॉन 0.0591, ई डिग्री सेल नहीं है सिर्फ ईएच है, ई सेल है ना ये। और अगर तुमने थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा था क्लास 11th में, तो उसमें हम एक चीज़ पढ़ते हैं फ्री एनर्जी चेंज, जो स्पॉन्टिनिटी के बारे में बताते हैं। स्पॉन्टिनिटी मतलब जो खुद हो जाए, तो वहाँ पे तुमने डेल्टा जी पढ़ा था, क्या बोलते हैं इसे, गिब्स फ्री एनर्जी चेंज, गिब्स फ्री एनर्जी चेंज। यहाँ पे देखो डेल्टा जी कितना है, -NF ई डिग्री सेल है, ई डिग्री सेल, ई सेल नहीं, ई डिग्री सेल, ठीक है? हाँ तब ये हो जाते हैं जी नॉट, मतलब स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज। अगर इस नॉट है तो नॉट है, ठीक है? पर अगर सिंपली स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी चेंज, ठीक है, अगर सिंपल हो, मतलब सिर्फ तुम्हें गिब्स फ्री एनर्जी चेंज पूछें, तो डेल्टा जी हो जाएगा -NFe डिग्री सेल, ई सेल। और पता है ना ये ई सेल कौन सा है? ये वाला है जो बाद में बनता है ई डिग्री सेल -0.0591/N। ई सेल यहाँ पे ऐसे निकलेगा, ई डिग्री सेल -0.0591/N log base 10। तुम्हें पता है क्या ऊपर एनोड, नीचे क्या कैथोड, ये सारी चीज़ें हैं ना। तो यहाँ पे ई सेल ये वाला है, वहाँ पे गिब्स फ्री एनर्जी चेंज स्टैंडर्ड है, तो ई डिग्री सेल है, ठीक है? शाबाश। और अगर तुम्हें ये भी याद हो कि क्लास 11th में हमने एक चीज़ पढ़ी थी, क्या, क्योंकि बहुत सी चीज़ें देखो रटवाने से बढ़िया है यही बोल दो कि क्लास 11th में पढ़ी थी, चाहे तुम्हें याद हो ना हो, पर मैं तो सोचता हूँ याद ही होगी ना, और याद होनी भी चाहिए, है ना? तो तुमने एक चीज़ पढ़ी थी केसी, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। क्या था ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट? भूले तो नहीं कि ए का ए प्लस बी का बी गिव्स अस सी का सी प्लस डी का डी। तो केसी क्या होता था इक्विलिब्रियम में? निकलता था सी की पावर सी, डी की पावर डी, फिर ए की पावर ए, फिर बी की पावर बी। याद है ना केसी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है ना, जो बाद में के ए बन जाता था एसिड के लिए, के बी बन जाता था बेस के लिए, वाटर के लिए के डब्ल्यू बन जाता था, ठीक है? अब क्योंकि तुम ये पढ़ते आ रहे हो कि ई सेल जो है वो है ई डिग्री सेल -0.0591 base n log
बेस 10, ऊपर प्रोडक्ट, नीचे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, प्रोडक्ट अपॉन क्या, रिएक्टेंट इसके कंसंट्रेशन। तो प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट यही तो है, देखो ये प्रोडक्ट है, इसके कंसंट्रेशन ऊपर और इसके नीचे, यही तो लिखा था ना। तो इसे बढ़ाओगे तो क्या लिखोगे, ई सेल इज इक्वल टू कितना, ई डिग्री सेल माइनस 0.0591 बाई एन लॉग बेस 10। क्या लिखते थे, प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन ऊपर, प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन मतलब सी की पावर सी ऊपर, डी की पावर डी ऊपर, ए की पावर ए ऊपर, बी की पावर बी नीचे, ए की पावर ए भी नीचे। और ये पूरी चीज़ कैसी बन गई, ये पूरी चीज़ कैसी बन गई, तो ई सेल कितना आया, ई डिग्री सेल माइनस 0.0591 बाई एन लॉग बेस 10 के सी, ये आया ना लॉग बेस 10 के सी। मान लो किसी वजह से बहुत सी कंडीशन है ऐसी कि ई डिग्री सेल ज़ीरो हो जाए, बहुत सी ऐसी कंडीशन है। एक मैंने आपको अभी बताई कि कंसंट्रेशन क्या हो, सेम हो। मान लो कि टोटल चेंज ऑफ प्रोडक्ट और टोटल चेंज ऑफ रिएक्टेंट सेम हो, मतलब जितना कंसंट्रेशन में चेंज रिएक्टेंट के आया उतना ही कंसंट्रेशन में चेंज किसका आ जाए, प्रोडक्ट का आ जाए। इस चीज़ को इक्विलिब्रियम कहते हैं, अगर आपको याद हो। इक्विलिब्रियम क्या होती है, दैट स्टेडी स्टेट या दैट सिनेरियो इन एनी केमिकल रिएक्शन वेयर चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, दोनों में सेम तरह का चेंज आए तो उसे हम बोलते हैं कि रिएक्शन किस में आ गई, इक्विलिब्रियम में आ गई। और अगर रिएक्शन इक्विलिब्रियम में आ जाएगी तो आप खुद देखो, रिएक्शन अगर इक्विलिब्रियम में आ गई तो चेंज कितना आया, चेंज जो था कंसंट्रेशन में, चेंज जो था कंसंट्रेशन में वो कितना आया, जीरो आया। और अगर कंसंट्रेशन में कोई चेंज ही नहीं है, इसका मतलब हम दोनों को वन मोलर मान सकते हैं, चेंज ही नहीं है तो वन मोलर मान लो स्टैंडर्ड है। और वन मोलर में ई डिग्री सेल की वैल्यू कितनी होती है, जीरो होती है। वन मोलर जो होता है उसमें ई डिग्री सेल की वैल्यू कितनी होती है, जीरो होती है पिछले वाले केस में। तो अगर ई डिग्री सेल दोबारा जीरो हो जाए, तो ई डिग्री सेल अगर आपको दोबारा जीरो हो जाए, कम से कम सारी वीडियो को आज दो बार देखना तभी आएगा समझ में। एक बार ऐसे ही देख लेना, दूसरी बार लिखते हुए देखना, ठीक है, तभी आएगा समझ में। तो ई डिग्री सेल जीरो हो गया तो तुम पे ई सेल आया कितना, ये चीज़ तो जीरो बन गई, तो तुम पे आया माइनस 0.0591 बाई एन लॉग बेस 10 कितना, के सी, ये आया ना ई सेल। तो ये भी याद रखना, ई सेल इतना आया माइनस 0.0591 बाई एन लॉग बेस 10 के सी। चलो बहुत बढ़िया, अब एक चीज़ और है जो तुमने अभी पढ़ी, डेल्टा जी जो होता है वो क्या होता है, एन एफ, या ले देखा तुमने एन एफ ई डिग्री सेल, अभी देखा एफ क्या है, वही 96500 कूलम है ना, फैराडे, वन फैराडे, फैराडे कितना 96500 कूलम, क्या होता है फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस में पढ़ोगे। मैं बोल रहा हूँ ना, कोर्स ऐसा बना हुआ है इंडिया का कि आगे पीछे चलता रहता है, देखना पड़ेगा। वन फैराडे 96500 कूलम, तो डेल्टा जी होता है एन एफ ई सेल, बहुत बढ़िया। ये तो देखा ना तुमने डेल्टा जी कितना होता है, एन एफ ई सेल होता है, ई सेल की वैल्यू ऊपर से डालो, ई सेल की वैल्यू ऊपर से डालो, इसमें ई सेल की वैल्यू ऊपर से डालो, तो डेल्टा जी इज इक्वल टू एन एफ, और ई सेल की वैल्यू वो रही माइनस 0.0591 बाई एन लॉग बेस 10 के सी। साबाश, एन से एन कैंसिल हो गया, डेल्टा जी की वैल्यू कितनी आई, डेल्टा जी की वैल्यू आई माइनस 0.0591 साथ में एफ, और यहाँ पे लॉग बेस 10, और यहाँ पे कितना के सी, ये भी एक वैल्यू है। पर इसकी जनरली वैल्यू, क्योंकि देखो आर टी इज इक्वल टू एन एफ होता है ना, आर टी बाई एन एफ लिखते थे ना, तो इसकी जनरली वैल्यू टेम्परेचर के टर्म्स में होती है, डेल्टा जी इज माइनस 2.303 आर टी लॉग के सी, आर टी लॉग बेस 10 के सी, दोनों चलती है, ज़्यादातर ये यूज़ होती है, माइनस 2.303 आर टी लॉग बेस 10 के सी। पता है ना आर टी एन एफ होगा, और एन को वन मान लिया या कट भी गया था, तो इसलिए लॉग बेस 10 के सी, और कुछ इसमें रहा नहीं है।
बेसिकली इतना ही है, और फिर हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू। दो बार देखना है ना कम से कम, तब आएगा समझ में।